मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव हैं। बीजेपी कांग्रेस समेत सभी दल चुनावी तैयारियों में जुट गए। चुनाव के पहले बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 1,000 देने के लिए लाडली बहना योजना का ऐलान किया। पार्टी इस योजना के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के दम पर सत्ता वापसी की उम्मीद कर रही है। वहीं कांग्रेस एक बार फिर किसानों की कर्ज माफी के साथ ही 500 रुपए में LPG सिलेंडर देने का वादा करके सत्ता में आने की उम्मीद कर रही है। बीते 5 साल में ये राज्य 2 सरकारें देख चुका है। 2018 में आए चुनावी नतीजों के बाद राज्य में 15 साल बाद कांग्रेस ने सरकार बनाई। कमलनाथ राज्य के मुख्यमंत्री रहे। हालांकि राज्य की कमलनाथ सरकार 15 महीने तक ही चली। 15 महीने बाद एक बार फिर राज्य में बीजेपी की सत्ता में वापसी हो गई। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस पार्टी का फुल फोकस अब चुनावी राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम में है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। पार्टी के लीडर्स को उम्मीद है कि सरकार की नीतियों से दोनों प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती है। कांग्रेस का कमलनाथ के चेहरे पर आने वाले चुनाव में लड़ना लगभग तय है। पार्टी ने लाडली बहना योजना के असर को समझाते हुए कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस महिलाओं को साल में 18,000 रुपए देगी। इसके साथ ही कांग्रेस सत्ता में आने पर 500 रुपए में LPG सिलेंडर देने का वादा कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने प्रदेश की जनता से 5 वादे किए हैं। तो ऐसे में आइए अब हम आपको बताते हैं MP में चुनाव से पहले कांग्रेस ने कौन कौन से वो 5 बड़े वादे किए हैं जिसके दम पर कांग्रेस वहां जीतना चाहती है। पहला, गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का ऐलान। दूसरा है हर महिला को 1500 रुपए प्रति माह देने का ऐलान। बिजली 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ। चौथा जो वादा है दरअसल वो है किसानों की कर्ज माफी। पांचवा वादा, पुरानी पेंशन योजना लागू करना। कमलनाथ द्वारा गैस सिलेंडर महज 500 रुपए में देने की घोषणा की गई। वर्तमान में गैस सिलेंडर अभी 1100 रुपए है। पहले इस पर सब्सिडी मिलती थी लेकिन वो लगभग बंद के समान हो गई है। जब गैस सिलेंडर पर सब्सिडी की शुरुआत हुई तब गैस सिलेंडर रिफिलिंग 850 रुपए के करीब होती थी। करीब 250 से 300 रुपए सब्सिडी में आ जाते थे लेकिन धीरे धीरे सब्सिडी कम करते करते लगभग सब्सिडी बंद सी हो गई। बात अगर 100 यूनिट बिजली और 200 यूनिट हाफ पर करें तो बिजली बिल ऐसी चीज है जिसका असर आम और खास सब पर पड़ता है। वर्तमान में 100 यूनिट से कम बिजली की खपत होने पर महज 100 रुपए के अंदर बिल आ जाता है लेकिन 100 यूनिट से ऊपर हो जाने पर फिर बिल साधारण बिल की तरह आता है। ऐसे में गर्मी के मौसम में लोगों को ज्यादा बिल देना पड़ता है। कमलनाथ का वादा है कि जब सरकार बनती है तो 100 यूनिट तक का बिजली बिल माफ होगा, इसके ऊपर आने पर उसे आधा कर दिया जाएगा। महिलाओं को 1500 रुपए देने का ऐलान है हर महीने। प्रदेश में भाजपा सरकार लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर चुकी है जिसमें महिलाओं को 1000 रुपए महीना दिया जाएगा। इस पर कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो महिलाओं को 1500 रुपए महीना देंगे। अब बात अगर किसानों की करें तो किसानों का मुद्दा हमेशा से देश में गर्म मुद्दा रहा है। चाहे किसान आंदोलन की ही बात क्यों ना कर ले, किसानों ने किस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को घेरा था यह भी किसी से छुपा नहीं है और शायद इसी पूरे मसले को भुनाने की कोशिश अक्सर विपक्ष करता रहा है। भाजपा सरकार ने डिफॉल्टर किसानों का ब्याज माफ कर दिया। ऐसे में कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की लेकिन वो भी तब जब उसकी सरकार बने। पुरानी पेंशन योजना, यह मुद्दा लगभग सभी प्रदेशों में है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना को लेकर लगातार बात होती रही है और छत्तीसगढ़ राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू हो गई। उम्मीद थी हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन योजना लागू कर देगी लेकिन नहीं कर पाई। दोनों प्रदेशों में अब कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। अब कांग्रेस अपने द्वारा दिए गए वादों को पूरा करने का आश्वासन दे रही है। अब मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं लेकिन बीजेपी ने इस संबंध में अभी तक कोई घोषणा नहीं की, जबकि पूर्व CM कमलनाथ और कांग्रेस का वादा है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी। वहीं एक मीडिया चैनल के हवाले से खबर सामने आई कि मध्य प्रदेश के प्रभारी JP अग्रवाल कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता के लिए मैनिफेस्टो बनाया जाएगा। ये 5 प्रमुख वादे हैं, उनको सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में लागू कर दिया जाएगा, जैसा हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में किए वादे पहले ही कैबिनेट में पूरे हुए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमलनाथ के चेहरे पर ही इस साल होने वाले विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। इसके लिए कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने प्रदेश के सभी सियासी समीकरणों को साधते हुए कमलनाथ के नाम को ही अंतिम माना। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कांग्रेस अलग जिम्मेदारियों के साथ देश और प्रदेश की राजनीति में एक्टिव रखेगी। हालांकि कांग्रेस आलाकमान की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी कोई घोषणा नहीं हुई लेकिन कांग्रेस के सूत्र यही बताते हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस पिछली बार हारी हुई सीटों पर भी विशेष मेहनत कर रही। पिछली बार विंध्य क्षेत्र ने कांग्रेस की जीत में साथ नहीं दिया।
वो बीजेपी के साथ रहा था, इसलिए कांग्रेस अब यहां अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। यहां संगठन को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेता यानी पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को मिली है। वो लगातार विंध्य का दौरा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछला विधानसभा चुनाव कई मायनों में बहुत रोमांचक था। 230 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत से दो कम यानी 114 सीटें मिली थी, वहीं भाजपा 109 सीटों पर आ गई। हालांकि ये भी दिलचस्प था कि बीजेपी को 41% वोट मिले जबकि कांग्रेस को 40.9%, बसपा को दो जबकि बाकियों को 5 सीटें मिली। नतीजों के बाद कांग्रेस को बसपा, सपा और बाकियों का साथ मिलकर सरकार बन गई। इस तरह से राज्य में 15 साल बाद कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार तो बन गई, कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उम्मीदों पर पानी फिर गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सिर्फ 15 महीने चली। 15 महीने बाद एक बार फिर से राज्य में बीजेपी की सत्ता में वापसी हो गई। इस वक्त 230 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 127, कांग्रेस के 96, निर्दलीय 4, 2 बसपा और 1 सपा के विधायक हैं।